हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 12 रुपए की तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक 4.5% के करीबन की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 12.5% की तेजी देखने को मिली है। 1 महीने के अंदर 23%, 3 महीने में 54%, 6 महीने में 87% और 1 साल के अंदर 123% के पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ देखने को मिला है। लगातार देखें तो इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिला है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक में लगातार एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां पर स्टॉक का भी लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक में अराउंड 255 रुपीज के एक हाई बॉटम पर स्टॉक ट्रेडिंग देखने को मिलेगा। स्टॉक का नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है अराउंड 213 रुपीज। 213 रुपीज के स्टॉक में नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जहां से स्टॉक में लगातार पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आज के दिन का ओपनिंग अराउंड 242 रुपीज, 242 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 275 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। स्टॉक के में डिलीवरी पैटर्न भी देखें तो लगातार स्टॉक में एक डिलीवरी भी देखने को मिली है।